जय श्री राम, जय बालाजी। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जय बालाजी आर एस पटेल में आपका मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है राजेश श्याम पटेल, मैं प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिशियन और SWR सबकी फिटिंग करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आइए दोस्तों, हम बताते हैं आपको सरफेक्स बॉक्स के बारे में और उसमें जो एंड कैप आया है उसकी जानकारी देता हूँ कि ये एंड कैप किस रूप में काम करता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा और हमारा काम आपको कैसा लगा। ये है दोस्तों हमारा सरफेक्स बॉक्स, ये देख सकते हैं आप, ये हमारा सरफेक्स बॉक्स है। अब देखिए, ये सरफेक्स बॉक्स के लिए जैसे बहुत सी प्रॉब्लमें आती हैं, क्या होता है कि हम इसमें, ये देखिए दोस्तों, अब जैसे कि हमने इसमें ये बैंड लगाया, ठीक है, ये हमारा एक पाइप उधर से आया है और ये नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये बैंड लगाया है, ये बैंड देख सकते हैं आप, ये जा रहा है और ये हमारा सरफेस बॉक्स, ठीक है। अब दोस्तों, इसमें क्या होता है, कई बार जैसे कि नीचे यहाँ मटेरियल भरा जाता है, हमें फिर बाद में खोदना पड़ता है, जिससे बहुत तकलीफ़ होती है। ये देख सकते हैं आप, अब ये पाइप हमने इसमें ऐसा जोड़ दिया, ये जोड़ दिया हमने, ठीक है। अब ये कहीं लाइन और दूसरी जगह ले जाना है हमें, ये हमने ऐसा जोड़ दिया। अब ये आ गया हमारा यहाँ, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे लाइन उधर से आई और हम इसमें कुछ लगाते नहीं हैं इस ऊपर वाले हिस्से में, उसके लिए ये एंड कैप आया है। ये एंड कैप देख सकते हैं आप, ये एंड कैप आया है। जैसे कि प्लास्टर करते हैं तो इसमें मसाला भरा जाता है यहाँ पे बैंड पे, वहाँ से गिरते गिरते यहाँ पे जाम हो जाता है, तो हमें बाद में प्लास्टर खोदना पड़ता है, फिर बैंड तोड़ के मसाला निकालना पड़ता है। तो ये जो हमें दीवार ना तोड़े, हम प्लास्टर ना तोड़े और डायरेक्ट इस एंड कैप का यूज़ करें तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए, हमने ये एंड कैप लगा दिया, अब यहाँ से ये पैक हो गया, ठीक है। अब ये पैक हो गया तो यहाँ से मसाला आएगा ही नहीं इसमें, ठीक है दोस्तों, ये मसाला आएगा ही नहीं और यहाँ पे ये पैक हो गया। एंड कैप लगा दी हमने, जो कि नॉर्मली है, इसको हम स्लैब में भी यूज़ कर सकते हैं, स्लैब में जैसे डीप बॉक्स में भी लगा सकते हैं ये एंड कैप। अब ये नॉर्मली अभी निकल जा रही है, टेप लगा के थोड़ा टाइट करके लगा दीजिएगा तो इससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमने लगा दिया इसमें ऐसे, देखें आप, ये हमने निकाला और ये लगा दिया। अब यहाँ पे प्लास्टर करेंगे तो यहाँ मसाला बैंड में नहीं गिरेगा, ये देख सकते हैं आप। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी। जय बालाजी।